नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं मोहित चतुर्वेदी, बात करेंगे विकास दुबे। एनकाउंटर हो चुका है इनका, आतंकवादी रंगबाज ये थे, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस ने कल उज्जैन की नगरी महाकालेश्वर मंदिर में विकास दुबे को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को विकास दुबे को सौंपा। उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ की टीम विकास दुबे को जब ले जा रही थी कानपुर की ओर, कानपुर से 25 किलोमीटर पहले एक टोल नाका पड़ता है, वहां किसी कारणवश विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, जिसमें विकास दुबे था। और गाड़ी महिंद्रा की टीयूवी है, टीयूवी 100, देखिए इस फोटो को, ये है। और जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, उनके हथियार छीनने की कोशिश की। जब विकास दुबे भागने में सफल रहे, उनने एयर फायरिंग की वहां पर, और मौकाए वारदात पे जो वहां पे आदमी थे, जो लोग थे वहां पे, उनने इस चीज की पुष्टि की है कि एयर फायरिंग की आवाज सुनी है उन्होंने। और जब एसटीएफ की टीम ने, पुलिस कर्मियों ने उनको सरेंडर करने को कहा, तो उनने एयर फायरिंग की। और एयर फायरिंग के साथ साथ जब सरेंडर करने नहीं किया, सरेंडर नहीं किया विकास दुबे ने, किसी कारणवश एसटीएफ की टीम को विकास दुबे पर गोली चलानी पड़ी। डायरेक्ट गोली इनके सीने में लगी और एक गोली कमर पर लगी। विकास दुबे का वहीं खात्मा हुआ, अंत हुआ, कानपुर से 25 किलोमीटर पहले। पहले मैं उस वीडियो को दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे एक जरूरी बात बताऊंगा। देखिए इस वीडियो को पूरा, पहले इस वीडियो को देखिए आप, जहां पर विकास दुबे की गाड़ी पलटी है, देखिए। विकास दुबे आपके विकास दुबे का टीम थी, एसटीएफ की गाड़ी जो है, यहाँ पर इस प्लांटेड है। हाँ, प्लांटेड है। अरे यार सर 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 वो एसटीएफ की गाड़ी देख लिया आपने इस वीडियो को, यहाँ पर विकास दुबे की गाड़ी पलटी और विकास दुबे ने चार पुलिसकर्मियों पर फिर से हमला किया, लड़ाई झगड़ा किया, उनके हथियार छीनने की कोशिश की और भागने की कोशिश की। किसी कारणवश एसटीएफ की टीम, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम को विकास दुबे को एनकाउंटर करना पड़ा। विकास दुबे को सीने पे गोली मारी और एक कमर पे गोली मारी है। और इस घटना की पुष्टि कानपुर एसएसपी दिनेश कुमार ने की है। इस घटना की पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दी है कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ और विकास होना ही चाहिए था, क्योंकि हर बार पुलिस वालों की हत्या थोड़ी ही होती रहेगी। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की 2 जुलाई को निर्मम हत्या की और फिर इस बार 4 पुलिस वालों पर फिर हमला किया। हालांकि पुलिस जो 4 पुलिस वाले हैं वो घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और विकास दुबे हो चुका है इनका खात्मा। कल मैं फेसबुक पे देख रहा था, बहुत से तूल बन रहे थे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि कस्टडी में आएगा, भागने की कोशिश होगी, सूट एन आउट का ऑर्डर मिलेगा, और वही हुआ। क्या ये बात सच है या गलत? मैं एक चीज जानता हूं, किसी भी देश के जवान की शहादत नहीं होना चाहिए, चाहे विकास दुबे जैसे कई हो या एक हो। और हाँ, जो जातिवाद को लेके, ब्राह्मणवाद को लेके इस घटना को तूल बांध रहे हैं, ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं कि विकास दुबे, मैं बता दूं उनको, चाहे विकास दुबे हो या राजपूत हो या ठाकुर हो या कोई दलित हो, अपराधी अपराधी की ही श्रेणी में आएगा। और उसका यही हश्र होगा,
यही हश्र होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विकास दुबे।